महानगर में पटरी व्यवसायियों को उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में पटरी व्यवसायियों की बैठक नगर निगम स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, उप सभापति जितेंद्र सैनी, पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष सुधीर झा सहित अन्य अधिकारी और पटरी व्यवसायी मौजूद रहे। बैठक में पटरी व्यवसायियों के कराए गए सर्वे के आधार पर उन्हें नगर निगम तथा नजूल की जमीन पर व्यवसाय उपलब्ध कराने की रणनीति तैयार की गई, जिसके तहत पटरी व्यवसायियों को 2x2 मीटर जमीन आवंटित किया जाएगा, जिससे वे अपना व्यापार आसानी से कर सके। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पटरी व्यवसायियों को व्यापार करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की चर्चा की गई और उन्हें चिन्हित कर एक सप्ताह में जमीन आवंटित कर दिया जाएगा। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, इंटीग्रेट किया उस सड़क पे कितने व्यवसायी हैं, उन लोगों का हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उसके आधार पर हम लोगों को 7,888 लोग हम लोगों को चिन्हित किए हैं। तो पूरे शहर का कुल पंजीकृत पत्रकर्ताओं की संख्या कौन सी लोकेशन मैप जो है सिटी प्लेस मैप भी हम लोग यहाँ पे 70 वार्ड है टोटल। खाली हम लोग क्लासिफिकेशन किया है, एक वो होते हैं जो अस्थायी रूप से स्ट्रक्चर बनाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं पूरे शहर में, जो अस्थायी रूप से कहीं ना कहीं जैसे अम्बेडकर चौराहे पर पान की मूर्ति बनाकर, आपके इसी चौराहे पे छोटा छोटा जगह बनाकर अपना ये कर रहे हैं, वो 2017 लोग ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से बना कर रहे हैं। 73 लोग ऐसे हैं जो भटकते रहते हैं इधर से उधर, 73% ऐसे लोग हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं, 1% लोग जो हैं गाड़ियों पे अपना व्यवसाय करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं फिजिकल प्रोफाइल ऑफ वेंडर्स, 19% ऐसे लोग हैं जो बस स्टैंड पे हैं, चौराहे पे हैं और रेलवे स्टेशन के आसपास जो लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं 19% लोग हैं, 3% लोग हैं जो रेजिडेंशियल एरिया में ठेले पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, 78% ऐसे लोग हैं जो हम बाजारों में कमर्शियल दुकानों के आसपास इलाकों में 78% ऐसे लोग जो हैं जो अपना व्यवसाय यहाँ कर रहे हैं, और 95% लोगों के पास अपना खुद का ये है और 5% रेंट पे लोग लेकर अपना ठेला वगैरह का ये काम करते हैं। जैसे गुमटी वाले भी इसने गुमटी बनाया उनको ठेले पे दे दिया और किराया तो दे दिया, वो किराया ले रहा है लेकिन बैठ रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, तो 5% ऐसे लोग हैं जो किराए पे लेकर काम करते हैं और 95% ऐसे लोग हैं जो अपने तरीके से अपना बिजनेस करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने किया, इसके बाद इसमें जो डेमोग्राफिक कैटेगरी के हैं नंबर्स के हिसाब से, SC कैटेगरी में मेल हैं जो 1454 हैं और फीमेल 246 हैं, ST 4403 और 716 फीमेल। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें जो लोग वर्क कर रहे हैं 14 लोग जो हैं सिर्फ 14 लोग जो उनकी उम्र जो है 80 साल के ऊपर। आज पट्टी व्यवसायी के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम में डूडा, अपर आयुक्त, उप सभापति और सम्मानित पार्षदों के साथ एक संयुक्त बैठक हुई है, जिसमें इस विषय पर विचार विमर्श हुआ है कि पट्टी व्यवसायियों को पूरे शहर में नियोजित ढंग से बसाया जाए और इसके लिए हम लोगों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में नगर निगम में बहुत सारे जगहों को चिन्हित किया है और नगर निगम पट्टी व्यवसायियों के साथ एक मीटिंग करके सरकारी जो आदेश है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि पट्टी व्यवसायियों को सही ढंग से बसाया जाए जिसमें उनकी रोजी रोटी अच्छे ढंग से चले, हमारे DM और हमारे नगर के अधिकारियों ने इस पर एक कार्य योजना बनाई है
और जो भी नगर निगम की या नजूल की भूमि है उस पर हम लोग नगर निगम पट्टी व्यवसायियों को 2x2 मीटर की जगह अलाट करेगा, इस पर सहमति बनी है और हम लोग ने आश्वासन दिया है कि नगर आयुक्त के साथ बैठ करके हम लोग जल्द ही उस स्थान को चिन्हित करेंगे और वहाँ पर व्यवस्थित रूप से उनको बसाएंगे और बसाने से उन लोगों को एक तो उनका रोजी रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी और करीब 7,500 पट्टी व्यवसायी हैं उनको बसाने की नगर निगम कटिबद्ध है और जल्द ही उस स्थान को चिन्हित करके हम उन्हें देने की योजना बना रहे हैं। इस पर एक मीटिंग एक हफ्ते के अंदर बुलाकर हम लोग सारी व्यवस्था को मूर्त रूप देंगे। इसमें हमारे डीएम साहब, पार्षद, उपसभापति और नगर निगम के अधिकारी, चीफ इंजीनियर, ये सभी लोग उसमें रहेंगे। ये आज निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय इस शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए किया गया। मैं पट्टी व्यवसायियों से कहूँगा कि इसमें पूरा पूरा सहयोग दें, हम उनकी पीड़ा से अवगत हैं और उन्हें जल्दी ही हम व्यवस्थित करेंगे। धन्यवाद।